बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर फोर की आज एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज हैं, ये मैंने उनके आगे नंबर्स लिख दिए हैं। पहले का आंसर है सी, दूसरे का सी, तीसरे का सी, ऐसे मैंने सारी लिस्ट बना दी है। इसको हम नोट कर लेंगे। यहाँ तक 18 इसके एमसीक्यूज हैं, 18 आंसर मैंने लगा दिए। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं। पीछे चैप्टर की जो पढ़ते हुए हमने बहुत से शॉर्ट आंसर का जवाब दे दिया है, उनमें से चंद जो हैं जिनका जवाब वाजे नहीं था वो मैंने कहा मैं दोबारा लिख दूँ ताकि आप इसको नोट कर लें। तीसरा सवाल है, एनी कंपाउंड्स आर सॉलिड्स जस्टिफाई, एनी कंपाउंड जो हैं ये सॉलिड्स होते हैं, इसकी वजाहत करें। एनी कंपाउंड्स के अंदर जो आयंस होते हैं ये हमने पढ़ा है कि ये फिक्स पोजिशनों पर होते हैं, इनकी खास शेप होती है, ये अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकते क्योंकि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है और इस वजह से ये सॉलिड होते हैं। सॉलिड की निशानी ये है कि उसके मॉलिक्यूल जो है वो फिक्स पोजीशनों में होते हैं, आगे पीछे हरकत नहीं करते, उसकी खास एक शेप बनती है। तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अपनी पोजिशनों पर कायम रहते हैं, जिसकी वजह से वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, उनमें फ्री आपको मूविंग जो है वो आयंस नहीं मिलेंगी, वो एक ही जगह पर फिक्स होंगे, इसलिए उनकी पोजीशन फिक्स होती है या शेप भी फिक्स होगी। दूसरा सवाल है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाई? मेटल जो हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स हैं, यानी इनमें से बड़ी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। इसकी वजह मेटल्स के अंदर हमने पढ़ा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हर वक्त हरकत रहते हैं, जिसकी वजह से करंट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से मुंतकिल हो जाती है। छठा सवाल है, आयनिक कंपाउंड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टिंग और सॉल्यूशन फॉर्म ओनली, वाई? कहता है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये सिर्फ पिघली हुई हालत में या सॉल्यूशन की हालत में ही इनमें से करंट गुजर सकती है, वैसे नहीं गुजर सकती। वजह जब ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो हमने ये पढ़ा है कि ये अपनी फिक्स पोजिशनों पर रहते हैं, आगे पीछे हरकत नहीं करते, तो करंट उस वक्त मूव करती है जैसे यहाँ या तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो या फ्री आयंस हों, तब मूव करेगी। जब वो फिक्स पोजिशनों पे होंगे तो वो मूव नहीं करेंगी, करंट मूव नहीं करेंगी, उसमें से गुजरेगी नहीं। तो जब मोल्टन फॉर्म में ये होते हैं तो ये मसलन एन ए सी एल है, तो जब ये पिघली हुई हालत में होगा तो इसमें एन ए और सी एल आयन लैदा हो जाते हैं। इसी तरह जब ये सॉल्यूशन फॉर्म में होता है तो आयन लैदा लैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो फ्रीली मूव करते हैं और करंट का बहाव आसानी से हो जाता है। और इसमें एक आखिरी सवाल जो मैंने यह नंबर किया है, 13वां सवाल है, वाई इक्विवेलेंट बॉन्ड बिकम्स पोलर, इक्विवेलेंट बॉन्ड जो है वो पोलर क्यों बन जाता है? तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि इक्विवेलेंट बॉन्ड जो है जब दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनता है, जैसे एच और सी एल है, दो डिफरेंट किस्म के एटम है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर स्लाइड नेगेटिव, थोड़ा सा नेगेटिव और इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये पोलर बन जाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस की वजह से इश्तराकशुदा इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा एक तरफ शिफ्ट हो जाता है और इधर से कमी होने की वजह से पॉजिटिव बन जाता है और इधर से नेगेटिव बन जाता है। तो वो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस की वजह से ये जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ये पोलर बन जाता है। यहाँ तक हमारा आज का लेसन।